महाराष्ट्र में बंद किए गए मंदिरों को खोलने के लिए घंटानाद आंदोलन। हिंगनघाट में जय स्तंभ स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के आगे भारतीय जनता पार्टी हिंगनघाट और युवा मोर्चा द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे महाराष्ट्र में घंटानाद आंदोलन किया गया। हिंगनघाट में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जय स्तंभ परिसर में भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा विधायक समीर कुनावार और विधान परिषद सदस्य विधायक रामदास आम्बटकर इनके मार्गदर्शन में घंटानाद आंदोलन कर सोए हुए आघाड़ी सरकार को जगाने की प्रयास किया गया। इस आंदोलन में प्रमुख उपस्थिति में वर्धा जिला महामंत्री किशोर दिघे थे। यह आंदोलन हिंगनघाट शहर अध्यक्ष आशीष पर्वत के नेतृत्व में तहसील मंडल के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कोरोना प्रादुर्भाव के रहते अनलॉक प्रक्रिया शुरू की गई है। इस आधार पर अन्य राज्यों के मंदिर खोल दिए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र राज्य में मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्च मस्जिद को अभी तक नहीं खोला गया। यहाँ लोगों की भावनिक आत्मीयता जुड़ी है, साथ ही कई लोगों का रोजगार भी इस पर चलता है, तब आज वो बेरोजगार है। महाराष्ट्र की सरकार रेवेन्यू जमा करने के लिए बियर बार जब खोल दिए हैं, तब मंदिर, गुरुद्वार और चर्च मस्जिद क्यों नहीं खोले? ये सारा सर नाइंसाफी है। बियर बार को शुरू करने की इजाजत देने वाली सरकार मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिद पर ताला क्यों लगाना चाहती है? यह सवाल कर महाराष्ट्र सरकार का निषेध किया गया है। इस आंदोलन में बीजेपी के दिनेश वर्मा, संदीप सुरकार, अमोल राउत, नितिन माड़ेवार, नगर सेविका छायाता सातपुते, अंकुश ठाकुर, प्रदेश सचिव भारतीय युवा मोर्चा विठू बेनिवार, तहसील अध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अपने संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये महाविकास आघाडीचा जाहीर निषेध होऊन आलेला आहे। जेव्हापासून महाविकास आघाडी सरकार या महाराष्ट्र मध्ये स्थापन झालं, तेव्हापासून महाराष्ट्र निरनिराळ्या प्रकारचे डिसिजन घेऊन आले। असे डिसिजन कोणते फालतू डिसिजन घेऊन आले? आज बघा, या सरकारनं बार ओपन केलं पण मंदिर उघडले नाही। या सरकारची बुद्धी भ्रष्ट झालेली आहे। मी भारतीय जनता पार्टी हिंगणघाट शहरातर्फे या महाविकास आघाडीचा उद्धव ठाकरे सरकारचा जाहीर निषेध करतो। यांना बार उघडण्यामध्ये मजा आली, पण जिथे लोक मंदिरामध्ये प्रार्थना करायला जातात, आपल्या काही अपेक्षा घेऊन जातात मंदिराकडे, देवाकडे काही मागणी असतात, पण त्यांना मंदिरं दिसली नाही, लोकांच्या भावनाने दुखावलं गेलेलं आहे आणि त्यांनी बार ओपन केलेलं आहे। बंधून हे निष्फळ सरकार आहे, यांच्या डोक्यामध्ये कोणताही विकास योजना नाही आहे, हे निष्फळ सरकार आहे। यांना माझी मागणी आहे का, तुम्ही जागे व्हा ना, तुमच्या ज्यांना अगर होत नसेल, महाराष्ट्र सरकार तुम्हाला चालवता येत नसेल, तर तुम्ही सरकार सोडून द्या। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।